What is up guys, welcome back to another video। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्मार्टफोन से स्टक पिक्सल हटा सकते हो। और ये मैं अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ, पुरानी वाली वीडियो बना चुकी है और वो कितनी सक्सेसफुल है वो आप भी जानते हो, कमेंट्स पढ़ ही सकते हो पॉज करके। तो ये अपडेटेड वीडियो और इसमें आपके स्टक पिक्सल जो आपकी लाइने आ जाती है RGB रेड ग्रीन ब्लू कोई से भी कलर की लाइने आ सकती है और वो इजिली हट जाएंगी। कॉन्फिडेंस रखना अपने इस मेथड पे, और बट एक शर्त है क्योंकि आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें मैं तीन मेथड बताऊंगा और लास्ट वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट लास्ट पे मत कर जाना क्योंकि कुछ फायदा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के दो मैटर अगर छूट जाएंगे तो तुम्हें लास्ट वाला समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट तक देखना, आपका फोन 100% सही हो जाएगा, इस बात की तुम्हारे भाई की गारंटी है। और तुम कंफर्म करने के लिए पुराने कमेंट्स पे जा सकते हो। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, स्टक पिक्सल आते क्यों हैं, ताकि आपकी अगली बार ना आए, आप ऐसी गलती ना करो। सबसे पहले ठंड की वजह से आ सकते हैं, आप फोन गिर जाता है और या करंट, जब मान लो आप चार्ज करते करते आप ईयरफोन लगा रहे हो तो स्पार्क विस्पार्क की वजह से आपके स्टक पिक्सल आ जाते हैं। स्टक पिक्सल सही हो सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल सही हो सकते हैं, क्योंकि स्टक पिक्सल एक ऐसे पिक्सल होते हैं जहां पर एनर्जी मिल रही है, मेन चीज एनर्जी मिल रही है, और बट वो अपने मतलब पिक्सलों का कलर होता है ना, अपना कलर चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो उधर का जम के बैठ गया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ ताकतें जगानी पड़ेंगी ताकि उसमें अपने कलर चेंज कर सके। तो नंबर वन मेथड है, आपको स्टक पिक्सल क्लीनर ऐसे करके ऐप आते हैं जो क्या करते हैं, जो मल्टीपल पिक्सल जनरेट करते हैं उस एरिया पे और पूरी स्क्रीन पे। तो आपको वो ऐप इंस्टॉल करके आपको अपने फोन में चलाना है, या आप डायरेक्ट अगर आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, बहुत सारी क्लिपें होंगी, आपका AMOLED स्क्रीन है उसके हिसाब से डाउनलोड या प्ले कर सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल IPS डिस्प्ले उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत टाइम लेगी, ठीक है, टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा होगा, दो दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है, यानी कि दो दिन तक आपको लगातार वो वीडियो प्ले करनी पड़ सकती है। ऐसे पिक्सल अलग अलग पिक्सल्स आएंगे, मैं शायद आपको स्क्रीन पे दिखा दूं, और नहीं तो आपको वो ऐप चालू रख देना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐप चालू करके रख दो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये फर्स्ट मेथड है और इससे आपका 90% आपको दिख जाएगा, रिजल्ट साफ दिख जाएगा, आपको फेड होते दिखेंगे। सेकेंड मेथड है, आपको कोई सी भी शार्प चीज लेनी है, ईयरफोन की टिप हो वो भी चलेगी, तो उसको लेना है और उसको रुमाल से कवर करना है, और देन आपको जहां पर पिक्सल्स है वहां से आपको फोर्सफुली, इतना भी ज्यादा फोर्स मत दबाना कि स्क्रीन पे क्रैक कर जाए, उधर से स्क्रैच टाइप करना है, टेम्पर लगा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करना है, तो आपको इंस्टेंट, भाई हाँ इंस्टेंट, आपको वहां से स्टक पिक्सल फेड होते हुए दिखेंगे, मतलब उनमें एनर्जी मिलते हुए दिखेगी, वो पूरे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके वो पूरे चल जाएंगे। अब यहाँ पर ये दो मेथड मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिए थे, यहाँ पर आता है थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड है इन तीनों का फ्यूजन, मैंने तीसरा तो बताया नहीं। तीसरा आपको क्या करना है, हेयर ड्रायर से आपकी स्क्रीन को हल्का सा वार्म करना है। वार्म करने पर क्या होगा, स्किन के अंदर जो पिक्सल्स हैं वो आपके ब्लेंड होने लग जाएंगे। ब्लेंड होने से क्या होगा, उस टाइम होगा तो कुछ नहीं, आपको फिर ये दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, मतलब आपको वार्म करना है हेयर ड्रायर से थोड़ी देर के लिए, पाँच मिनट, वो भी हिलाते हुए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हिलाते हुए वार्म करना है। फिर आपको दूसरा, आपको शार्प मेटल से कुछ को भी उसको ड्रैग करना है और आपको फेड होते दिखेगा, देन आपको वो अपना स्टक पिक्सल फिक्सर वो चालू कर देना है। तो ये था तीसरा ऑप्शन, और ये तीसरा वाला ट्राई मारना, बट आपको एक एक इंडिविजुअल पहले ट्राई मारना है, क्योंकि मान लो तीसरा डायरेक्ट ट्राई मारोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, वैसे गड़बड़ तो कुछ नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट आपको इंडिविजुअल ट्राई मारना है, अगर तब नहीं हो तब तीसरा मारना, क्योंकि अपन हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, अपन को नहीं पता कि मान लो, मैं तो बोल रहा हूँ आप डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, आप भूल चूक में आप कॉन्सेंट्रेटेड कर दे तो भड़बड़ जाए, तो इस वजह से स्टार्टिंग के दो मेथड ट्राई मारना। अगर इमरजेंसी में नहीं बढ़ रहा तो भाई तुम्हारे पास चारा कुछ नहीं है, थर्ड वाला ज़रूर ट्राई मारना। और मेरे को बस ये बता दो कि ये सबसे ज़्यादा कमियाँ किस फ़ोन में आती है। मेरे हिसाब से मेरा फ़ोन सैमसंग का था, उसमें सबसे ज़्यादा ये कमी आई थी, स्टॉक पिक्सल, डेड पिक्सल, वो डेड पिक्सल का भी मैं बताऊँगा कैसे सही करना है। बट हाँ, कौन सा फ़ोन है वो मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना, ताकि आपको पता लग जाए नीचे कमेंट में देखे कि कौन सा फ़ोन अपन को नहीं लेना है, फ्यूचर में स्क्रीन की दिक्कतें आ सकती है। मेरे हिसाब से सैमसंग है, रियलमी में भी मेरी कमी आई थी, तो वो आप बता देना कौन सा मॉडल या कौन सा वो, ताकि मेरे को पता लग जाए और लोगों को भी पता लग जाए और आपको भी पता लग जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर कर देना, आपका फ़ोन 100% सही हो जाएगा अगर लाइक करोगे तो, और स्टेप्स फॉलो करोगे तो, नहीं करोगे तो तब भी फॉलो हो ही जाएगा, सही हो ही जाएगा, ठीक है गाइस, सायोनारा, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।